आज सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस, वो ये नहीं बोलते कि कुछ पैसे पूंजीवादी के लोग सुप्रीम कोर्ट में भी पैसों के बल पर अपना न्यूले मनवा ले रहे हैं। वो ये नहीं बोलते कि अब देश छोड़ देना ही हमको अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट बताए कि हम प्रोटेस्ट कहाँ करें। अगर सड़क खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ रहा है और दिल्ली पुलिस द्वारा जिस प्रकार से जामिया मिलिया में घुसकर प्रवर्तक तरीके से लाइब्रेरी में घुसकर लाठी चार्ज किया गया, हम सुप्रीम कोर्ट से ही ये सवाल पूछ लेते हैं कि हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, इनके जो पुलिस है, दिल्ली के जामिया मिलिया कॉलेज में लाइब्रेरी में घुसकर जिस प्रकार से छात्रों और छात्राओं को पीटा गया कि सर फटे, किसी की आँख फूटे, किसी के पैर टूटे, वहाँ की CCTV कैमरे से पूरी रिकॉर्डिंग आ रही है, वहाँ की लड़कियाँ जो हाथों में पर्स लेकर भाग रही हैं, उनको दूसरी गोदी मीडिया उसको पत्थर बताया जा रहा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि आप कुछ आदेश करें कि हम कहां पे प्रोटेस्ट करें। कोई ऐसा जगह निर्धारित करें आप जहां अपनी आवाज़ को उठा सकें, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर वजीर आजम साहब ये लोग कह चुके हैं कि हमारे यहां ये लोग एक इंच भी इस कानून से पीछे नहीं हटेंगे। आप पीछे मत हटिए। इसी जंतर मंतर पे मैं 9 दिसंबर को मैंने बताया था कि देश इस काले कानून के विरोध में देश की गली गली से लेकर रोड से लेकर संसद तक जनता जब जागेगी तो अपनी हक की आवाज़ उठाएगी, आवाज़ उठा रही है। आप पीछे मत हटिए, वो आगे बढ़ेंगे। एक शाहीन बाग था पूरे हिंदुस्तान में, आज हजारों शाहीन बाग हैं, कल लाखों शाहीन बाग होंगे। आप पीछे मत हटिए, ये आगे बढ़ते रहेंगे। जब संविधान की बात आएगी, आप हिंदू मुसलमान की बात मत करिए, संविधान की बात करिए। शाहीन बाग में हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है। आप कैसी बात बताते हैं कि वहाँ पे केवल मुसलमान हैं? आप बिरयानी की बात करते हो, वहाँ दादियों से मिलने की बात करते हो, लेकिन मिलने नहीं जाते हो। दादियाँ परसों आपसे मिलने जा रही थी, लेकिन फिर आपने अपने दिल्ली पुलिस को आगे कर दिया, उनको रोक दिया। क्या ये आपकी तानाशाही सरकार है? क्या आपके ये तानाशाही रवैया है? मैं पूछना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब और हमारे वजीर आजम साहब से कि सुप्रीम कोर्ट जब हमें आदेश दे रही है कि हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हमें वो जगह निर्धारित दे। हमारे यहाँ के जिला अधिकारी साहब, जो भी हमारे यहाँ प्रशासन शासन है, वो हमें जगह निर्धारित दे कि आप इस जगह प्रोटेस्ट करो। ऐसा हमें आदेश जब मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर हमारे पर इस कानून के खिलाफ पुलिसिया लाठीचार्ज क्यों? आज पूरी दुनिया पूछ रही है ऐसा कार्रवाई क्यों हमारे ऊपर? आज जब जब हमारे हिंदुस्तान पर, हमारे देश पर कोई भी संविधान के खिलाफ कोई भी मुसीबत आई है, तो सबसे पहला जामिया मिलिया कॉलेज से आवाज़ उठाई गई है पूरे हिंदुस्तान और पूरे देश के लिए। आज फिर वही दिन है, आज फिर वही वक्त है जो 67 दिन हो गया, 67 डेज से लोग शाहीन बाग में बैठे हैं और जामिया मिलिया में बैठे हैं, और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अपने होम मिनिस्टर साहब से कि आप उन दादियों से मिलिए, उन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों से मिलिए। आप क्यों नहीं मिलते? अगर NRC CAA NPR अगर सही है, तो आप क्यों घबरा रहे हो? आप अपने आप को सच्चा देशभक्त बोलते हो। मैं आपको कहता हूँ कि नागपुर में RSS के कार्यालय पर अगर आप सच्चे देशभक्त हो, तो पहले नागपुर के RSS के कार्यालय पर आप तिरंगा फैलाने का काम करिए, ना ही हमारे देश को बांटने का काम करिए। आप ना ही हमारे देश को बांटने का काम करिए। अगर आप सच्चे देशभक्त हो, तो नागपुर के RSS के कार्यालय पर आप पहले झंडा फहराइए। हमारे देश का झंडा जो आज़ादी से लेकर आज तक वहाँ वीरान पड़ा हुआ है, वहाँ RSS का झंडा फहराया जाता है। और आप बात करते हो संविधान की और कानून की, आप देश के रखवाले नहीं हो सकते हो। आप तानाशाही सरकार चला रहे हो, आपकी आड़ में कोई और बैठ रहा है जिसकी बातें आप कर रहे हो, और शाहीन बाग के लोगों को बदनाम कर रहे हो कि वो मुसलमान है। वहाँ केवल मुसलमान नहीं, वहाँ सिख भी है,
ईसाई भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। जब संविधान की बात आएगी, हमारा देश है ये, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप हमें पाकिस्तान मत दिखाइए, आप हमारे देश की बात करिए, आप हमारे संविधान की बात करिए। कब तक हमको बहकाएंगे आप? हम बहकने वाले नहीं हैं। अब देश की जनता जाग चुकी है। अगर अब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आज इसी जंतर मंतर से फिर कह रहा हूँ कि अभी तक तो गली से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक लोग पहुँचे, अब पूरी दुनिया से लोग उठ कर आएंगे और आपसे सवाल पूछेंगे कि ये ऐसा काला कानून लागू करने की क्या जरूरत पड़ गई, किसके कहने पर आपने ये काला कानून लागू किया और करने की कोशिश किया और लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो आप। और अगर आप कोई ऐसी प्रताड़ना कर भी रहे हो तो उनसे बात करने क्यों नहीं जा रहे हो? और जब कोई ऐसी बात आती है तो जामिया के स्टूडेंटों पर ऐसी बर्बरता, इस प्रकार से उनपे लाठीचार्ज क्यों होती है, ये पूरा देश पूछ रहा है आपसे। होम मिनिस्टर साहब, वजीर आजम साहब, कल बनारस में आपने एक भाषा बोला कि CNRC NPR पर आप एक इंच पीछे नहीं हटोगे, ये कौन सी तानाशाही सरकार है? आज तक हमारे हिंदुस्तान में जब से देश आज़ाद हुआ है कोई भी सरकार ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन वो भाषा का इस्तेमाल आप ऐसे नेक और अच्छे कुर्सी पर बैठने के बाद भी आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हो, आपको देश माफ़ नहीं करेगा, आपका हिंदुस्तान का एक नागरिक माफ़ नहीं करेगा। तो क्या तिरंगे के झंडे, RSS का जो झंडा है, वो राष्ट्रीय ध्वज बनाने की कोशिश है? कहीं ना कहीं इनके दिल में, मन में यही मंशा है, ये हिंदूवाद, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्या समाजवादी पार्टी हिंदू नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी हिंदू नहीं है? ऐसे तमाम पार्टियां हैं, वो भी हिंदू हैं। केवल टारगेट और टारगेट मुसलमान को किया जाता है। मुसलमान के आड़ में हमारे दलित भाइयों को, हमारे पिछड़े भाइयों को, हमारे OBC भाइयों को, किन किन को आप प्रताड़ित कर रहे हो, लेकिन वो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं इस काले कानून को। अगर हम जितना परेशान होंगे, कहीं ज़्यादा आप हमसे ज़्यादा परेशान होंगे, ये हम जान रहे हैं। इसलिए हम सड़कों पर उतर आए हैं और शाहीन बाग जैसे हजारों बाग बन चुके हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए कि हमारे देश का कोई भी मजलूम व्यक्ति हो, उस पर कोई भी प्रकार का प्रताड़ना ना हो और उस पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई ना हो। आज आप पूछते हो कि NPR NRC लागू करने के बाद आपको बिल दिखाने की बात कर रहे हुए, हम किसका बिल दिखाएं? आपको बिल देखना है, जाकर ताजमहल देख लो। आपको पेपर देखना है, लाल किला देख लो, जामा मस्जिद देख लो, कितने वर्षों पुराना वो जामा मस्जिद है। आप बारी बारी से हमें टारगेट करते हो, हम टारगेट होने वाले नहीं। आप उलझाइए मत देश को, ये देश आपसे पूछ रहा है, ये बिल की आवश्यकता है या देश के विकास की आवश्यकता है। आज हमारे देश में युवा वर्ग, केवल उत्तर प्रदेश में बात करूं तो 34 लाख संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। आप ऐसे समझ लो कि अगर पूरे हिंदुस्तान में जोड़ लो तो ये 34 करोड़ भी हो सकते हैं। एक उत्तर प्रदेश में जब 34 लाख लोग हैं तो पूरे हिंदुस्तान में अगर जोड़ लें तो 34 करोड़ भी हो सकते हैं जो बेरोजगार हुए हैं। आप रोजगार की बात नहीं करते हो, आप पाकिस्तान की बात करते हो, आप शाहीन बाग की बात करते हो। अब आप अपने दिल और दिमाग से समझ लीजिए कि दिल्ली के चुनाव में आपने शाहीन बाग का नाम लिया था तो आप कहाँ दिखे हो? अगर आगे से मुसलमानों के आड़ में, पाकिस्तान के आड़ में आप चुनाव लड़ोगे तो आप कहाँ होगे, ये आपको ही वो वक्त बताएगा और वो वोटर बताएगा। और मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि आप हमारी बात को इनके चैनल के माध्यम से, कि हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएँ कि जो बिल आपने लागू किया है ये देश विरोधी बिल है। ये NRC NPR ये जो भी बिल आपने लागू किया है ये देश विरोधी और संविधान के साथ जरासरासर खिलवाड़ है। अब बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ मरोड़ कर उन दलित बेचारों को, उन आदिवासियों का हर हक छीनना चाहते हो कि वो वोट दे ना पाए, उनके वोट का अधिकार, उनको उनके लिए डिटेंशन सेंटर बना रहे हो आप। कहाँ जाएंगे वो? क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो आप? ये देश पूछ रहा है। पिछले साल 14 फरवरी को हमारे देश के 44 जवान शहीद हुए थे। आज 44 जवान का परिवार दर दर के भटक भटक कर ठोकरे खा रहा है। उनके परिवार को अभी तक कोई मुआवजा नहीं, कोई सुविधा नहीं। आप उस पर बात नहीं करते हो, लेकिन शहीदों पर आप राजनीति करते हो और वोट मांगते हो, लेकिन उनके परिवार का ख्याल आपको नहीं है।
शामिया मिलिया में आज हजारों की संख्या हम लोग बैठे हैं। मैं आपसे बता देता हूँ, आप एक इंच पीछे मत हटिएगा, लेकिन आज हजार है वहाँ लाख होंगे, आप पीछे मत हटिएगा वहाँ करोड़ों की संख्या में पूरे देश में होंगे। अब वो आगे बढ़ेंगे, आप वहीं खड़े रहिएगा, अब वो आगे बढ़ के निकल जाएंगे, आप वहीं खड़े ही रह जाना। एक लास्ट सवाल का जवाब दीजिए, मोदी सरकार और लगातार अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सही कह रहे हैं? अगर आप संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस, वो ये नहीं बोलते कि कुछ पैसे पूंजीवादी के लोग सुप्रीम कोर्ट में भी पैसों के बल पर अपना निर्णय मनवा ले रहे हैं, वो ये नहीं बोलते कि अब देश छोड़ देना ही हमको अच्छा होगा, ऐसी बात है सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं, जस्टिस बोल रहे हैं। कहाँ से आप बात करते हो मोदी जी, आप हमारे देश के वजीर आजम हो, हमारे देश की शान बचाओ आप, हमारे देश की शान कहाँ जा रही है, हमारा देश कहाँ जा रहा है, जीडीपी की हालत क्या है, आपने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है? आज देश का हर नौजवान तबका आपसे पूछ रहा है कि हमको रोजगार चाहिए, अब तो रोजगार की बात नहीं, आप पाकिस्तान की बात करते हो, आप शाहीन बाग की बात करते हो, शाहीन बाग वालों से मिलने का तो एक बार आप हिम्मत जुटाइए, वहाँ दादियाँ बैठी हैं, आप दादियों से मिलो, आपको उनसे भी मिलने में डर है, होम मिनिस्टर साहब आपको उनसे भी मिलने में डर है, यही कांग्रेस की सरकार में आप रोडों पर बैठा करते थे 6 साल पहले, 25 रुपये गैस का रेट बढ़ गया है तो रोडों पर बैठ जाया करते थे, 3 रुपये प्याज का रेट बढ़ता तो रोडों पर बैठ जाया करते थे, आज बड़े बड़े फैसले सुनाने के लिए आप बैठ गए हो, लेकिन जनता की आवाज़ सुनने के लिए नहीं बैठे हो आप, अब वो बैठ रहे तो उनको रासुका लगा रहे हो आप, ऐसे काले कानून बना रहे हो आप, कोई अपनी आवाज़ अगर रोड पर उठाए रोड पर बैठ कर उठाना चाहता है तो उसके ऊपर आप NSA लगा दे रहे हो, आप मुकदमा कायम कर दे रहे हो आप। अगर 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 बच्चे स्कूल में ड्रामा कर रहे हैं तो बच्चों को ड्रामा करने के बाद उनके माता पिता को जेल में डाल दिया जा रहा है, जमानत नहीं होगा कह रहे हैं। जो डॉक्टर कफील खान जी मैं उनके लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ, इस देश से जो इतना नेक इंसान हिंदुस्तान की गली गली में घूमकर उन्होंने पीड़ित और बीमार बच्चों का मुफ्त में कैंप लगा के इलाज किया, ऐसे लोगों पे NSA लगाकर आप क्या साबित करना चाहते हो? और जो जामिया मिलिया में घुसकर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, और गार्गी कॉलेज में घुसकर जो लोग हस्त मैथुन करते हैं उनको 48 घंटे में आप जमानत दे देते हो, और डॉक्टर कफील खान जैसे लोगों को आप NSA लगा देते हो, आप ताना सही सरकार नहीं चला सकते हो। आज देश की जनता जागी है, धीरे धीरे पूरे दुनिया की जनता जाग जाएगी, और आपसे आज सवाल होना शुरू हो गए हैं, आज विदेश से भी लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, आप तानाशाही सरकार चला रहे हो, कि कोई ना कोई आपकी सरकार के आड़ में कोई आपके पीछे बैठा हुआ है, ये कहना आप मान रहे हो, क्योंकि हमारे देश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे देश का राष्ट्रपति किसी RSS के नेता का पैर छुए। आज ऐसा हालात है कि हमारे देश का राष्ट्रपति किसी RSS के नेता का पैर छू रहा है, वो हमारे देश का गरिमा खत्म कर रहा है। आप कहाँ देश को ले आना चाहते हो, किस हिंदू राष्ट्र पर ले आते हो, जिस देश में हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव ही नहीं है, आप उसमें भेदभाव क्यों पैदा कर रहे हो, आप क्या बनाना चाहते हो देश को? ये देश की हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग आपसे पूछ रहे हैं, वो RSS के जो आपके कार्यकर्ता हैं जिनके बीच में आप जाकर बोलते हो वो बहुत खुश होते हैं उनको छोड़कर, क्योंकि उनके दिमाग में जो आपने भूसा भरा है वो भूसा कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी टीम के लोग हैं, वो आपकी टीम के ही लोग रहेंगे, लेकिन उनको आम जनता से मतलब नहीं है। लेकिन अब आम जनता आपसे पूछ रही है, अब आपको जवाब देना होगा कि हमारे देश का संविधान क्यों खत्म किया जा रहा है, हमारे देश के संविधान को क्यों मिटाया जा रहा है, और अब जबरदस्ती संविधान को लागू किया जा रहा है क्यों।